गुड मॉर्निंग, टुडे इज 30th of May 2018 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान में करंट सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और 25 जुलाई को इलेक्शंस कंडक्ट होंगे पाकिस्तान में। देखो, इंडिया में तो रूल ये है कि जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी, 2019 में इलेक्शंस कंडक्ट होंगे और मोदी इस्तीफा देंगे अगर इलेक्शंस में जो नतीजे हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट आते हैं या फिर सरकार बनती दिखाई नहीं देती है एनडीए की। उससे पहले मोदी इस्तीफा नहीं देंगे इलेक्शन से पहले। लेकिन कई सारे देशों में रूल ये होता है कि सरकार जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस्तीफा देना पड़ता है इलेक्शंस के कंडक्ट होने से पहले, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज को शक होता है कि प्रधानमंत्री एक प्रकार से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं इलेक्शंस के दौरान। तो एक न्यूट्रल प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होनी चाहिए इलेक्शंस के दौरान और पाकिस्तान में अभी यही रूल है। तो अभी वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया और इलेक्शंस के दौरान एक न्यूट्रल प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नजीरुल मुल्क, उनको इलेक्शंस के दौरान प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऐसा रूल बांग्लादेश में भी है। तो देखो, आर्टिकल में यह बोला जाता है काफी सारे चैलेंजेस हैं जो अभी न्यूट्रल सीजीआई, जो फॉर्मल सीजीआई है नजीरुल मुल्क को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो जल्द ही पाकिस्तान को जून में ग्रे लिस्ट में डाल सकता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं, यानी वो इलेक्शन लड़ेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वीक है। और जो मेन स्ट्रीम वो फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान में धीरे धीरे मार्जिलाइज हो रही हैं, जैसे नवाज शरीफ वो मेन स्ट्रीम फोर्स हैं लेकिन अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनको जीवन भर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो रही है, वहाँ के पॉलिटिशियंस पे धीरे धीरे अटैक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो एक सेकेंड, इलेक्शंस के दौरान जो कैंपेन होगा उस कैंपेन के दौरान पॉलिटिशियंस की सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है और रिसेंटली पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की चाइना से कि आप $1-2 बिलियन हमें उधार के तौर पे दे दीजिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उधार पाकिस्तान ले लिया है चाइना से, तो डेट क्राइसिस में फंस जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो लोन लिया है चाइना से उसका इंटरेस्ट यानी ब्याज चुकाने के लिए भी पाकिस्तान को चाइना से लोन लेना पड़ेगा फिर से, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। उसके बाद नीचे ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के बारे में, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहां पे बीच में जो बड़ा आर्टिकल है ये स्टैटिस्टिक्स और डेटा के बारे में है, इसे हम डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस के बारे में, इस आर्टिकल को पे भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यहां पे पीजे कुरियन जो कि एक पॉलिटिशियन है, ये डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा में, इनके साथ नहीं, लोकसभा में नहीं थे, राज्यसभा में थे, तो इनके साथ इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पॉलिटिक्स से संबंधित पॉइंट्स हैं, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये दो आर्टिकल्स ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बायोफ्यूल्स के बारे में जो आर्टिकल है उसे डिस्कस करेंगे। GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आप आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। आप पहले मुझे एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? देखो, बायोफ्यूल्स वो लिक्विड फ्यूल्स होते हैं जिनको डेवलप किया जाता है प्लांट से, यानी पौधों से या फिर एनिमल वेस्ट से। और सोर्स क्या है बायोफ्यूल्स के, उसके आधार पर बायोफ्यूल्स को अभी तक 4 जनरेशंस में क्लासिफाई किया गया है, यानी कौन से सोर्स की सहायता से बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले तो देखो, फूड क्रॉप्स जैसे कि गेहूं यानी वीट, सुगर केन और सोयाबीन, इन सब की सहायता से बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस किया जाता था, ये पहली जनरेशन थी। दूसरी जनरेशन में नॉन फूड क्रॉप्स जैसे कि जैट्रोपा, फॉरेस्ट्री वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, इन सब सोर्सेज की सहायता से भी बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस किया जाने लगा और ये सेकेंड जनरेशन कहलाई। थर्ड जनरेशन में एल्गी और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सहायता से बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस किया गया, डेवलप किया गया, ये थर्ड जनरेशन थी। और चौथी जनरेशन एक्चुअली थर्ड जनरेशन का ही एक्सटेंशन है। चौथी जनरेशन में एल्गी को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उनको स्पेशली तैयार किया जाता है बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए और इसे कहते हैं फोर्थ जनरेशन। अब आप कुछ टर्म्स के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले, व्हाट इज बायो इथेनॉल? देखो, बायो इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है, शुगर में या फिर जो स्टार्च क्रॉप्स होती हैं जैसे कॉर्न या गन्ना, शुगर केन, इन सब प्रोडक्ट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन होती है और बायो इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। अब आपके दिमाग में आया होगा ये फर्मेंटेशन क्या होती है।
देखो फर्मेंटेशन का मतलब है बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें सुगर्स जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इन सब को सेलुलर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और मेटलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और क्योंकि देखो यीस्ट ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो इस एथेनॉल फर्मेंटेशन को एनोरबिक कहा जाता है। एनोरबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो रिएक्शन होगी एरोबिक रिएक्शन। अब हम जानते हैं बायोडीजल के बारे में, बायोइथेनॉल के बारे में हमने जाना, अब बायोडीजल के बारे में जानते हैं। बायोडीजल्स को प्रोड्यूस किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट्स, वेस्ट या फिर एल्गी की ट्रांस एस्टरीफिकेशन से। यहां ऊपर पिक्चर में देखिए आप, इन सब चीजों की ट्रांस एस्टरीफिकेशन हो रही है और क्रूड बायोडीजल प्रोडक्ट बनकर निकल रहा है। बायोडीजल भी एक प्रकार का अल्टरनेटिव फ्यूल है, एमिशंस काफी कम होते हैं अगर बायोडीजल को यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पे, और ऑक्टेन नंबर काफी हाई होता है यानी जो एफिशिएंसी ज्यादा होती है और एमिशंस जो हार्मफुल एमिशंस हैं वो काफी कम होते हैं। तो ये हमने बायोडीजल के बारे में जाना। और बायोगैस तो सिंपल है, अगर देखो बैक्टीरिया बायोलॉजिकल मटेरियल को डिग्रेड कर देते हैं एनोरबिक स्टेट में मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो बायोगैस निकलती है और ये एक क्लीन फ्यूल है, एनोरबिक डाइजेशन से निकलती है, ये आप याद रखिएगा। तो ये हमने बेसिक टर्म्स जानी और बायोफ्यूल्स क्या होते हैं वो जाने। अब हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, मेन आर्टिकल क्या कहता है आज। देखो अभी मार्केट में पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो आसमान छू रहे हैं, और इस सिचुएशन में अगर सरकार के द्वारा एक छोटा सा भी कदम उठाया जाता है बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए तो ये एक वेलकम स्टेप है। इस महीने कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स को, यानी सरकार नई पॉलिसी लेके आई है बायोफ्यूल्स के लिए, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ताकि बायोफ्यूल्स सच एज इथेनॉल इनके यूज को एंकरेज किया जा सके, प्रमोट किया जा सके और इवन बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया जा सके। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं नई पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के। वैसे देखो इस पॉलिसी में फोकस किया जाता है जो सप्लाई साइड इश्यूज हैं उन पर। अभी बायोफ्यूल्स की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हमारे देश में नहीं होती है और बाहर से इंपोर्ट किया जाता है बायोफ्यूल्स को, इससे जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर भी असर पड़ता है। अभी देखो सरकार की पॉलिसी है कि 10%, पहले 5% था अब 10% है, 10% इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया जाए, क्योंकि अगर कुछ एथेनॉल को अगर पेट्रोल में मिक्स किया जाता है तो उस पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हार्मफुल गैसेस का जो एमिशंस है कम होता है। लेकिन देखो इतना इथेनॉल हमारे देश में प्रोड्यूस होता ही नहीं कि उसे ब्लेंड किया जाए पेट्रोल के अंदर, तो अब सरकार ने कुछ ऐसा किया है कि ज्यादा इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकेगा। सरकार ने ये कहा है, सरकार देखो पहले तो ये कहती थी कि सिर्फ वो इथेनॉल जो गन्ने से प्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ उसी एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया जाता है, पेट्रोल में ब्लेंड किया जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने कहा है ठीक है आप दूसरी चीजें जैसे सुगर बीट, कॉर्न, डैमेज्ड फूड ग्रेन, पोटैटो और इवन जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है इन सब चीजों से जो इथेनॉल प्रोड्यूस होगा उस इथेनॉल को भी आप पेट्रोल में ब्लेंड कर सकोगे। समझ गए, पहले तो सरकार ये कहती थी सिर्फ गन्ने से जो आपको इथेनॉल मिल रहा है सिर्फ आप उसी को पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करोगे, लेकिन उतना इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो अब सरकार ने कहा है आप गन्ना छोड़िए, गन्ने के अलावा अगर आप सुगर बीट, कॉर्न, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, पोटैटोज और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन सब चीजों से भी अगर आप इथेनॉल प्रोड्यूस करके यूज कर लेते हो पेट्रोल के अंदर, उसको मिक्स कर लेते हो पेट्रोल के अंदर, तो भी ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक स्टेप है सरकार का जिसकी सहायता से ज्यादा इथेनॉल को प्रोड्यूस करवाना चाहती है और उसे यूज करवाना चाहती है पेट्रोल के अंदर। उसके बाद जो कॉस्ट है इससे बायोफ्यूल्स की कम हो जाएगी, जितने ज्यादा सोर्सेस होंगे उतनी ही कम कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहेंगे। और इवन देखो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी इथेनॉल की लोगों के लिए उतना ही सस्ता बायोफ्यूल अवेलेबल होगा, उतना ही सस्ता इथेनॉल अवेलेबल होगा मार्केट में, तो ये फायदे होंगे सीधे तौर पे। आगे आर्टिकल में कहा जाता है अभी तक देखो इंडिया में इंडस्ट्रियल लेवल पे इथेनॉल मिलता है सिर्फ सुगर फैक्ट्रीज में, क्योंकि वहां पर गन्ने से चीनी प्रोड्यूस होती है तो आपको पता है गन्ने से इथेनॉल भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो सुगर फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रियल लेवल पे इथेनॉल मिलता है। और ये इंडस्ट्रीज यानी सुगर फैक्ट्रीज इथेनॉल को दे देती हैं अल्कोहल प्रोड्यूसर्स को, यानी शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज को। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो मांगती हैं
इथेनॉल को शुगर फैक्ट्रीज से, यानी ऑयल कंपनीज कहती हैं कि आप हमें इथेनॉल दे दीजिए ताकि हम इथेनॉल को मिक्स कर सकें पेट्रोल के साथ, लेकिन शुगर फैक्ट्रीज कहती हैं कि आप हमें कम रेट देते हो, कम प्राइस देते हो इथेनॉल का, जबकि जो शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं वो हमें ज़्यादा प्राइस देती हैं, इसलिए हम इथेनॉल को ट्रांसफ़र करते हैं शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज में, ना कि आपके पास। लेकिन सरकार को अब ये लगता है कि जो नई पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी की सहायता से किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि किसान अपने अब एग्रीकल्चर वेस्ट को सोप्स कहेंगे इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज बड़े स्केल पर इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकेंगी, क्योंकि सरकार ने, जैसा हमने डिस्कस किया, कि शुगर केन के अलावा दूसरे प्रोडक्ट से इथेनॉल के प्रोडक्शन अगर होता है और उसे पेट्रोल में यूज किया जाता है तो भी सही है, सरकार ने अब इस चीज को अलाउ कर दिया है। तो इससे देखो किसानों को भी फायदा होगा। आपको पता है कि खास करके नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसे जलाया जाता है और पोल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो अगर किसान अपने एग्रीकल्चर वेस्ट को बेचेंगे तो इससे ना सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि बड़े स्तर पर इथेनॉल का प्रोडक्शन भी हो सकेगा। आगे कुछ और फायदों की बात की जाती है। जैसे देखो सरकार का एस्टिमेट ये है कि अगर 2017-18 में 150 करोड़ लीटर इथेनॉल की सप्लाई होती तो सरकार 4000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज सेव कर सकती थी, बचा सकती थी। आगे आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट बात ये बोली जाती है, सरकार ये इंश्योर करे कि जो सरप्लस फूड ग्रेन्स हैं उनकी सहायता से बायोफ्यूल्स को ना प्रोड्यूस किया जाए। जैसे अगर वीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो एक्सेस में वीट है उसकी सहायता से बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करने लगे। देखो इस साल दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपको पता है पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। बहुत मुश्किल से हमने फूड सफिशेंसी अटेन की है, तो हम इसका सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आगे का जो इशू है आर्टिकल के द्वारा गिनवाया जाता है वो ये है सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। बायोफ्यूल्स जो बड़े स्तर पर प्रोड्यूस किए जाएंगे उनको फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाना भी जरूरी है और इसके लिए सप्लाई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत जरूरी है, कंक्लूजन में कहा जाता है। और इसके लिए सरकार 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी बायो रिफाइनरीज बिल्ड करेगी। इससे बहुत आने वाले बहुत सालों में इंसेंटिव मिलेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन हो सकेगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि दूसरे भी जो पॉलिसी बैरियर्स हैं, जैसे कि अभी प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर पाती बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन में, उन बैरियर्स को भी, उन रुकावटों को सरकार दूर करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन में। जब तक ये नहीं होगा तब तक सरकार की जो पॉलिसी आई है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं किया जा सकेगा। तो ये पूरा आर्टिकल था नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स के बारे में है। जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी से आप इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। आजकल देखो पोस्ट ट्रूथ इरा है, मतलब लोग इमोशनल झूठ पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं बजाय के फैक्चुअल ट्रूथ पर। फेक न्यूज का आजकल बोलबाला है। तो इस सिचुएशन में कैसे सरकार के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है या फिर जो स्टेटिस्टिक्स को मैनेज किया जाता है, कैसे उसमें लोगों का विश्वास जगाया जा सके। तो एक रॉयल सोसाइटी ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, वहां पे मिस्टर डेविड, उन्होंने कहा कि देखो आज के समय में स्टेटिस्टिशियन को तीन चीजों पे फोकस करने की आवश्यकता है, कॉम्पिटेंस, ऑनेस्टी और रिलायबिलिटी। तीन चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे देश में जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इस मिनिस्ट्री ने नेशनल पॉलिसी ऑफ स्टेटिस्टिक्स बनाने की सोची और काफ़ी सारी चीज़ों पर फोकस किया गया इस पॉलिसी में, जैसे कि डेटा की इम्पोर्टेंस है क्या, डेटा को किस प्रकार से कलेक्ट किया जाए, बेस्ट मेथड्स क्या होने चाहिए और किस प्रकार से स्टोर करके रखा जाए, किस प्रकार से डेटा को यूज़ किया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं इस नेशनल पॉलिसी ऑफ स्टेटिस्टिक्स में। लेकिन ये तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आज के समय में काफ़ी अच्छे स्टेटिस्टिक्स के लिए, इन तीन चीज़ों पर फोकस नहीं किया गया नेशनल पॉलिसी ऑन स्टेटिस्टिक्स जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंप्लीमेंटेशन है। तो देखो आर्टिकल में एक बात ये भी बोली जाती है कि आज़ादी के बाद जो हमारे काफ़ी महान इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस रहे हैं, जैसे महलनोबिस या फिर सी आर राव, उन्होंने शुरुआत में ये चीज़ डिफाइन की, मैकेनिज्म तैयार किया किस प्रकार से डेटा कलेक्शन होना चाहिए इंडिया में। लेकिन धीरे धीरे हम आइडियल डेटा कलेक्शन से आप कह सकते हैं कि डाइवर्ट होते गए, या फिर समय के अनुसार हमारी जो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने की जो पॉलिसी है समय के अनुसार वो चेंज नहीं हो सकी। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस की।
देखो हमारे इकोनॉमिस्ट ने इस बात पे तो बहुत फोकस किया है कि किससे क्वेश्चन पूछे जाएं ताकि प्रॉपर रूप से पूरी पिक्चर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर सामने आ सके, कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन इस बात पे फोकस नहीं किया गया है कि कौन क्वेश्चन पूछेगा, उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर कैसे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आज के समय में जो सही पिक्चर है, NSSO आपको पता है डेटा कलेक्ट करती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रू पिक्चर आज के समय में नहीं आ पाती क्योंकि डेटा कलेक्शन जिन लोगों के द्वारा किया जाता है उन लोगों पे फोकस नहीं किया जाता। और देखो 2009 में क्या किया था, इस पॉलिसी को चेंज किया गया था। 2009 से पहले 1968 के डिजाइन को फॉलो किया जाता, यानी 1968 में जो ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता था, लेकिन 2009 में एकदम से पॉलिसी चेंज कर दी गई। तो आज के समय में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसमें यह नहीं पता लग पाता कि कौन शॉपकीपर है और कौन सेल्स मैनेजर है। सेल्स मैनेजर मतलब कोई फ्रेंचाइज है, मान लीजिए जो ये फूड बाजार है या फिर बिग बास्केट है, ये जो स्टोर्स नहीं होते वहां पे कोई सेल्स मैनेजर के तौर पे काम करता है। तो सेल्स मैनेजर और जो शॉपकीपर है जिसकी अपनी दुकान है, दोनों के बीच कोई डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो पाता। इवन जो फार्मर्स हैं या फिर किसी के बड़े खेत में कोई फार्म का मैनेजर है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं हो पाता। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि 2009 में हमने जो ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए वो विदेशों से अडॉप्ट कर लिए, फॉरेन कंट्री से अडॉप्ट कर लिए। वहां पे तो देखो आज के समय में शॉपकीपर्स मिलते ही नहीं, वहां पे तो जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है उन्होंने शॉपकीपर्स को निगल लिया है, लेकिन इंडिया में आज के समय में भी शॉपकीपर्स मिलते हैं। तो इंडिया को अपने हिसाब से जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स वो बनाने चाहिए थे। दूसरा इशू आता है अब रिलायबिलिटी का। एग्जाम्पल देके बताया जाता है कि हमारे यहां पर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो रिलायबल नहीं होता। जैसे आरबीआई का एग्जाम्पल दिया जाता है, आरबीआई अपने आप से सर्वे कंडक्ट करता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है इन्फ्लेशन के बारे में, यानी महंगाई के बारे में, और फ्यूचर में लोगों की एक्सपेक्टेशंस को कंपेयर किया जाता है महंगाई कितनी रही। देखो हमारा देश ऐसा देश है जहां पे असर की रिपोर्ट बताती है कि पांचवी क्लास का जो बच्चा है वो दूसरी क्लास के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता, छठी क्लास का बच्चा बेसिक हिंदी या इंग्लिश नहीं पढ़ पाता। तो कहने का एसेंस देखो है कि हमारे देश में लोगों को बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स वाले इशू के बारे में जानकारी नहीं होती। तो आप उनसे जो डेटा कलेक्ट करोगे उनकी एक्सपेक्टेशंस के आधार पर जो डेटा तैयार करोगे वो रिलायबल नहीं होगा। तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं तीसरे इशू की, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो जो लोग फील्ड में जाते हैं सर्वे कंडक्ट करने जाते हैं वो लोग ईमानदार हों अपने इस एक्सरसाइज में। ऐसा ना हो कि वो धूप में गाँव में जाएं ही ना और होटल्स में बैठ के अपने आप से ही डेटा को फिल कर दें, ये एक ऑनेस्ट एक्सरसाइज नहीं होगी। तो अब इस ड्राफ्ट पॉलिसी में भी और वेरियस रिपोर्ट्स में भी इस बात पे फोकस किया गया है कि थर्ड पार्टी से इस प्रकार का सर्वे करवाया जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय से इस प्रकार का सर्वे कंडक्ट करवाया जाए या फिर फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से इस प्रकार का सर्वे कंडक्ट करवाया जाए और रैंडम रूप से ऑडियो रिकॉर्डिंग चेक की जाए। मतलब जो एम्प्लॉयज फील्ड में जाएंगे और सर्वे को कंडक्ट करेंगे उनसे बोला जाएगा कि आप अपने द्वारा किए गए सर्वे को रिकॉर्ड भी कीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और रैंडम रूप से ऑडियो रिकॉर्डिंग्स चेक की जाए कि जो एम्प्लॉयज हैं वास्तव में वो ठीक से सर्वे कर भी रहे हैं फील्ड में या फिर नहीं। आर्टिकल के द्वारा यहाँ पे एक बात ये भी बोली जाती है कि देखो जो लोग फील्ड में जाते हैं हमें वो जो चैलेंजेस उनके द्वारा फेस किए जाते हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है। वो एम्प्लॉयज काफ़ी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में अपना काम करते हैं। राइटर अपना भी एग्जाम्पल देते हैं, ये कहते हैं कि एक बार मैं गया था हेल्थ सर्वे कंडक्ट करने, तो ऐसी कॉलोनी थी जिसमें जो मॉस्किटोज थे बहुत ही ज़्यादा थे और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मलेरिया हुआ था, तो मुझे डर भी लग रहा था लेकिन फिर भी मैंने अपने सर्वे को ठीक से कंप्लीट किया। कहने का एसेंस ये है कि जो एम्प्लॉयज जाते हैं फील्ड में उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब लास्ट में राइटर एक बात ये बोलते हैं, देखो ड्राफ्ट पॉलिसी में एक फोकस यह किया गया है कि 2001 में सी रंगाराजन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था, नेशनल कमीशन ऑन स्टैटिस्टिक्स। उस कमीशन ने यह कहा था विभिन्न डिपार्टमेंट्स, चाहे वो सेंटर के हों या फिर स्टेट के हों, विभिन्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टैब्लिश किया जाए ताकि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इस्टैब्लिश की जाए। और यही बात अभी ड्राफ्ट पॉलिसी में बोली गई है कि एक सोसाइटी का निर्माण किया जाए, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। ये एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी जिसके पास पूरा डेटा होगा, पूरा डेटा कैसे मैनेज करना है पूरे देश का, कहाँ पे स्टोर करना है, कैसे उस डेटा को एनालाइज करना है, कैसे स्टोर करना है, वो सारा काम उसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का होगा और 2000 करोड़ रुपए उस सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को दे दिए जाएंगे। लेकिन राइटर कहते हैं ये चीज़ गलत है,
क्यों? क्योंकि देखो, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ग्राउंड स्तर पर ठीक से काम नहीं कर पाती। होना यह चाहिए हमारे देश में विभिन्न जो स्टेटिस्टिक्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड इटिस, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल्स हैं। राइटर का कहने का एसेंस ये है, स्टेटिस्टिक्स के ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, इनसे कोऑर्डिनेशन इस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है, इनकी एनर्जीज को यूज करने की आवश्यकता है सरकार को। अगर इनकी एनर्जीज को अच्छे से यूज किया जाता है तो हमारे देश में डेटा को अच्छे से कलेक्ट किया जा सकता है, डेटा को अच्छे से यूज किया जा सकता है। आजादी के बाद जो हमारे महान स्टेटिस्टिशियंस हुए हैं, चाहे वो महलनोबिस हो या फिर सी आर राव हो, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेटिस्टिक्स की एनर्जी को यूज किया था। आज के समय में तो हमारे देश में इतने सारे स्टेटिस्टिक्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनकी एनर्जीज को भी यूज किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया और इंडोनेशिया रिलेशंस के बारे में है, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। क्या कंटेक्स्ट है आर्टिकल में? शुरुआत में कहा जाता है, इस हफ्ते की प्रधानमंत्री मोदी की साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा इंडिया और इंडोनेशिया रिलेशंस को एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकती है। अभी रिसेंट में ही इंडोनेशिया ने इंडिया को ऑफर किया था सबांग पोर्ट। सबांग पोर्ट की एक बार लोकेशन आप देख लीजिए, मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पे है सबांग पोर्ट। ये हमारा है अंडमान निकोबार, ये पोर्ट क्लियर है, और यहाँ ये है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पे है सबांग पोर्ट, 100 नॉटिकल माइल्स के आसपास डिस्टेंस है अंडमान निकोबार की जो साउथर्न टिप है और सबांग पोर्ट के बीच है। तो लोकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है सबांग पोर्ट की। अब इंडोनेशिया ने ऑफर किया है इंडिया को कि आप इस पोर्ट को डेवलप कीजिए और चाहो तो इकोनॉमिक जोन भी आप इस्टाब्लिश कर सकते हो इस पोर्ट के ऊपर। तो काफ़ी ये अहम डिसीजन है इंडोनेशिया का, जिससे इंडिया और जो इंडोनेशिया के रिलेशंस हैं वो बहुत आगे तक जाएंगे। देखो, दोनों देशों के कंसर्न्स सेम हैं, जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है यहाँ पर इस साइड चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, इससे इंडोनेशिया भी कंसर्न है काफ़ी और इंडिया भी काफ़ी चिंतित हैं। तो दोनों देश एक साथ आना चाहते हैं चाइना की गतिविधियों को काउंटर करने के लिए, और इसी दिशा में इंडोनेशिया का ये पोर्ट सबांग पोर्ट इंडिया को ऑफर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। आगे आर्टिकल में कहा जाता है सबांग पोर्ट, अगर यहाँ पर नेवल बेस हो, नेवल एयर स्टेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर फैसिलिटीज हो, तो ये जो पोर्ट है इंडियन नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पे है, तो चाइना की जो सबमरीन्स आती जाती हैं यहाँ से मलक्का स्ट्रेट से, इंडिया उन सबमरीन्स को मॉनिटर कर सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इंडोनेशिया और इंडिया दोनों देश जो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन हैं उनकी आज़ादी पर फोकस करते हैं, लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना कई बार इंटरनेशनल जो सी लेंस हैं उनको ब्लॉक कर देता है, और बाकी कंट्रीज के शिप्स अगर इंटरनेशनल सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन से आते जाते हैं उनको रोकता है, उनको खदेड़ देता है, यानी अपनी दादागिरी करता है चाइना। तो इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस फ्यूचर में आगे कैसे होंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इंडिया और इंडोनेशिया बाकी जो चोक पॉइंट्स हैं इंडियन ओशन या फिर इंडियन ओशन के आसपास, वहाँ चोक पॉइंट्स के बारे में इंडिया और इंडोनेशिया की राय क्या है। देखो, चोक पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे चोक पॉइंट्स का मतलब है स्ट्रेट से, मान लीजिए ये मलक्का स्ट्रेट है। अब चाइना, साउथ कोरिया, जापान या फिर इस साइड जो देश हैं उन्होंने अगर माल मंगवाना हो वेस्ट एशिया से, तो ये जो है ना इतनी छोटी सी 50 किलोमीटर के आसपास एक पट्टी है, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो चाइना और दूसरे देशों के शिप यहाँ से गुजर नहीं सकेंगे, उनको बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा, बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। तो चाइना हमेशा डरता है इस बात से, कहीं युद्ध हुआ तो मलक्का स्ट्रेट को अगर ब्लॉक कर दिया गया तो एनर्जी सिक्योरिटी चाइना की खतरे में पड़ जाएगी। मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे चोक पॉइंट्स हैं, जैसे अगर चाइना को तेल मंगवाना हो एक रास्ता यहाँ से हो सकता है, दूसरा रास्ता यहाँ से भी हो सकता है सुंडा स्ट्रेट, लेकिन मान लीजिए इसको भी ब्लॉक कर दिया जाए, ये भी 20 से 100 किलोमीटर के आसपास एक पट्टी है। इसके अलावा लोमबोक स्ट्रेट है, ये भी ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, इसको भी ब्लॉक कर दिया जाए। तो ये जो चोक पॉइंट्स है ना, इसको लेके इंडोनेशिया क्या सोचता है, इसको लेके इंडिया क्या सोचता है, अगर इंडिया और इंडोनेशिया की सोच इन चोक पॉइंट्स को लेके सिमिलर है
तो इंडिया और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं वो और भी ज्यादा गहरे हो सकते हैं। देखो, पहले तो इंडोनेशिया जो कि आसियान का एक मेंबर कंट्री भी है, इंडिया के साथ संबंधों को मजबूत करने में बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं था, लेकिन हाल ही में चाइना के साथ एक डिस्प्यूट बिल्कुल लाइमलाइट में आया इंडोनेशिया का। यहां पे देखिए मैप में, आप मलेशिया के पास ये नेटवाना सी है, यहां पे एक टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड है। इंडोनेशिया अपना दावा ठोकता है इस टेरिटरी पे और चाइना अपना दावा ठोकता है, और चाइना के द्वारा काफी एग्रेसिव रुख अपनाया हुआ है इस इशू पे। तो इंडोनेशिया को यह लगता है कि इंडिया के साथ मिलकर चाइना की एग्रेसिव एक्टिविटीज को काउंटर किया जा सकता है। तो इस विजिट के दौरान इंडोनेशिया के साथ इंडिया का एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। जिस प्रकार का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इंडिया ने फ्रांस के साथ साइन किया था, उसी प्रकार का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इंडिया इंडोनेशिया के साथ भी साइन कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया इंडोनेशिया के जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक नेवल बेसिस हैं उनको एक्सेस कर सकेगा। देखो, इंडोनेशिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेवल बेसिस हैं, सुंडा स्ट्रेट पे, लोम्बोक स्ट्रेट पे, जहां पे ये चोक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो इन नेवल बेसिस को अगर इंडिया एक्सेस करेगा तो इंडिया को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इंडोनेशिया की तो नेवी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इंडिया की जो नेवी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। चाइना इंडोनेशिया की नेवी से डरे ना डरे, लेकिन अगर इन नेवल बेसिस को इंडिया एक्सेस करेगा तो डेफिनेटली चाइना जरूर हरकत में आएगा और चाइना को प्रेशराइज किया जा सकेगा। अब दूसरे एरियाज की बात करते हैं जिनमें इंडिया और इंडोनेशिया आपस में एंगेज कर सकते हैं। इंडोनेशिया अपने एंड पर इंडिया से ये रिक्वेस्ट करेगा कि अंडमान जो सी है वहां पे दोनों देशों का EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होना चाहिए, इस चीज को डीलिमिटाइज किया जाए, यानी डीलिमिटेशन होना चाहिए इस चीज का। यहां पे देखो, यहां पे अंडमान जो सी है, EEZ होता है, मान लीजिए ये इंडिया का कोस्ट है, 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का EEZ होगा, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। तो दो देशों के बीच कई बार डिफरेंसेस रहते हैं कि इंडिया का EEZ कितना है, इंडोनेशिया का EEZ कितना है, तो इस चीज को क्लासिफाई करने की आवश्यकता है। ऐसी मांग इंडोनेशिया कर सकता है दो देशों के लीडर्स की मुलाकात में। इसके अलावा इंडोनेशिया और इंडिया व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। देखो, व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट जब साइन होता है दो देशों के बीच, इसका मतलब यह है दो देशों की नेवीज आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। इंडिया के आसपास जो सी है वहां पर कॉमर्शियल जो वेसल्स आ रहे हैं उनकी सारी जानकारी इंडिया प्रोवाइड करेगा इंडोनेशिया को, और इंडोनेशिया के आसपास जो समुद्र हैं, जो सी हैं, वहां पे कौन कौन से कॉमर्शियल वेसल्स आ रहे हैं, उन सब की जानकारी इंडोनेशिया इंडिया की नेवी से शेयर करेगा। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दूं तो ग्रे जो शिपिंग एग्रीमेंट होता है वो ये होता है जब मिलिट्री वेसल्स के बारे में दो देशों की नेवी आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, और ब्लैक शिपिंग एग्रीमेंट वो होता है जब दो देशों की नेवी आपस में इलीगल वेसल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसे शेयर करते हैं। तो इंडोनेशिया और इंडिया व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया इंडोनेशिया ये भी मांग कर सकता है इंडिया से कि देखो, जो मलक्का स्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ 50 किलोमीटर की ये पट्टी है, इसको इरेज करके आसानी से दिख जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए ये सिर्फ 50 किलोमीटर की पट्टी है और बहुत सारे शिप्स यहाँ से गुजरते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंजेशन है यहाँ पे। तो इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर काम कर सकते हैं कि जो शिप्स यहाँ से गुजरते हैं उनकी ट्रैकिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो प्रॉपर रूप से, ताकि स्मूथ एक आप कह सकते हैं ट्रांजिशन हो उसके शिप्स का यहाँ से। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, अभी तक देखो इंडिया और इंडोनेशिया कुछ ही एरियाज में काम करते हैं, जैसे एंटी पायरेसी पेट्रोल्स, एक सेकेंड सांस चढ़ गया, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइजेज, जॉइंट हाइड्रोग्राफिक एक्सप्लोरेशन, इन एरियाज में फिलहाल इंडिया और इंडोनेशिया काम करते हैं। लेकिन इंडिया इंडोनेशिया को कह सकता है कि मलक्का स्ट्रेट पे जॉइंट पेट्रोलिंग की जाए इंडिया और इंडोनेशिया के द्वारा, यानी मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल प्रोग्राम में इंडिया को भी शामिल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो इंडिया को इस स्ट्रेट के बारे में और आसपास के बारे में, जो आसपास जो एरिया है उस बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो युद्ध की स्थिति में हमारी नेवी के पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी जो कि बहुत ज्यादा काम आएगी। इसके अलावा देखो, इंडिया और इंडोनेशिया को इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी फोकस करने की आवश्यकता है। जो सबांग पोर्ट इंडिया को दिया गया है, सबांग पोर्ट को अगर इंडिया डेवलप करेगा तो ये एक इकोनॉमी के लिए अच्छा ब्लूप्रिंट होगा। इससे दो देशों के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे, और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी ये ब्लूप्रिंट एक अल्टरनेटिव का काम करेगा। इसके अलावा अंडमान सी में
जो सबन पोर्ट और अंडमान के बीच एक टूरिज्म सर्किट इस्टेब्लिश किया जा सकेगा। इससे दोनों देशों को फायदा होगा, दुनिया भर के टूरिस्ट यहां पर घूमने के लिए आएंगे। आगे डिफेंस इंडस्ट्रीज की बात की जाती है कि डिफेंस इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी दोनों देश कोलैबोरेट कर सकते हैं। जॉइंट मैरिटाइम ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी दोनों देश अपने संबंधों को और आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन की बात की जाती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वो आप कह सकते हो फोडर मटेरियल हैं, फोडर मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है अगर मेंस में आपको आंसर लिखना हो तो। वैसे इंडिया और इंडोनेशिया दोनों मेंबर हैं इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के, दोनों को अपने इस रीजनल पार्टनरशिप को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर की यात्रा पर भी जाएंगे और सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी संग्रीला डायलॉग को भी संबोधित करेंगे। तो इस डायलॉग में मोदी की जो स्पीच होगी वो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे और ज्यादा क्लेरिफिकेशन लाएगी। वैसे देखो इंडिया इस पूरे रीजन में लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कोऑपरेट कर रहा है, जैसे सिंगापुर के साथ हमारे रिलेशंस ऑलरेडी काफी अच्छे हैं। मकसद साफ है, चाइना को कंटेन किया जाए। इसी मकसद के साथ अब इंडोनेशिया के साथ भी इंडिया अपने रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इंडिया को कोऑपरेशन देखने को मिलता है। ये सारे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। इन ये सारे जो कंट्रीज हैं वो चाइना से दुखी हैं अगर साफ साफ कहें तो। तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो साफ होगी संग्रीला डायलॉग में, उससे एक बात ये भी साफ हो जाएगी, क्या वास्तव में इंडिया इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, या फिर इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इंडिया की रणनीति क्या है। तो ये पूरा आर्टिकल था। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के बारे में, डिटेल से हमने ये आर्टिकल समझा बेसिक्स के साथ। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्टैटिस्टिक्स और डेटा से संबंधित जो आर्टिकल था। तीसरे नंबर पे हमने इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस के बारे में बात की और इंडिया की रणनीति क्या है इंडो पैसिफिक रिलेशंस के लिए, ये भी हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।